हेलो गाइस, मैं नीरज समादिया फ्रॉम चिरगांव। और आज प्रारंभ हो चुका है दूसरे मुक्ति धाम का कार्य, सफाई का काम। और हमारी जो कमेटी है वो सभी लोग आ चुके हैं। ये देखिए द्वारका नामदेव जी बांस से कपड़े को हटा रहे हैं, महेश कुशवाहा जी लगे हुए हैं साफ सफाई करने के लिए। जो कपड़े मपड़े यहाँ पे डले हुए हैं उनको जला कर अभी इकट्ठा कर जला दिया जाएगा। और आज फिलहाल हम लोग सभी निरीक्षण करने आए थे कि यहाँ क्या क्या है, कैसी रूपरेखा तैयार की जाएगी साफ सफाई करने के लिए, क्या क्या सामान चाहिए पड़ेगा। ये देखिए आपको दिखाते चारों ओर का नज़ारा कि कितनी यहाँ गंदगी है। इस साइड देखिए आप, ये पेड़ पौधे लगे हैं जो इनको भी झाड़ झक्कड़ इनको साफ सफाई करना पड़ेगा। कुल्हाड़ी चाहिए पड़ेगा, फड़ुआ चाहिए पड़ेगा, जी हैं ज़्यादा नहीं कपड़े हटा रहे हैं। ये देखिए पूरा ये पूरा जो परिक्रमा वाला स्तर है इसको साफ सफाई बहुत ज़रूरी रहती है करने के लिए, क्योंकि लोग परिक्रमा लगाते हैं दह संस्कार के बाद। तो ये पूरे पेड़ पौधे कई सालों से पनप रहे यहाँ पे, बड़े हो गए हैं और इनको हटाएंगे अभी। हर सोमवार प्लानिंग हो चुकी है हम लोगों की। ये छोटा वाला सब्दाग्रह है, इसमें काफ़ी मिट्टी धूल मिट्टी जमी है नीचे। और ये बगल वाला चबूतरा है, इसमें भी काफ़ी राख जो है जो दह संस्कार बचती है उसको हटाना पड़ेगा। इसमें फड़ुआ तसला और बेलचा आदि उपकरण चाहिए पड़ेंगे। तो ये भी है, ये देखिए कितनी कपड़े वपड़े सब डले हैं, इनको भी हमारे द्वारका नामदेव जी लकड़ी से हटा के एक इकट्ठा कर रहे हैं। और काम करने में अच्छा लगता है जब पूरी कमेटी आती है काम करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको फिलहाल मुआयना करने के लिए आए थे कि क्या क्या यहाँ आवश्यकता रहेगी और कितना टाइम लगेगा। प्लानिंग कर लिए, हर सोमवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ सफाई होगी। बांस कहाँ में आ जाए, बांस कहाँ में आ जाए, छोटे छोटे नहीं आए, छोटे तो अपन ने बाहर दे थे बाटे पे, छोटे तो बाहर दे थे। ये कपड़ा मपड़ा है दिखा रहे ये देखिए, जो गेट टूटा पड़ा था इसको साइड में उठा के लगा रहे हैं। और जगह तो बहुत है, इधर कमरा ही बनो, साबिर से बुला के वो तो देख ले, लाइट माइट करवा दें। लेकिन अभी नहीं करने, पहले 2-3 मंदिर सफाई हो जाए थे। हाँ, इन लोगों को इस शमशान घाट के बारे में जानकारी नहीं है, तो कृपया उनको बता दें कि यह हनुमान जी बगिया के आगे जो सड़क जाती है, सीधा जाने के बाद आगे जाके इसी मुक्ति धाम पर पहुंच सकते हैं। और जिन लोगों को पता है तो वो कृपया इसमें श्रमदान करने के लिए आ सकते हैं हर सोमवार को 6 से 8 बजे। ऐसा भी लगता है कि इस शमशान घाट पर या मुक्ति धाम पर कई वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई है। और ये झाड़ झक्कड़ देख रहे हैं आप, कितने सालों से लगे हुए हैं ये बाउंड्री के दोनों साइड। ये तो अंदर का नज़ारा है, आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े झाड़ झक्कड़ हो गए हैं। तो ये सारी मिट्टी भी हम लोगों को व्यवस्थित करनी पड़ेगी इस साइड। और आपके दिखाते हैं राइट साइड का मुआयना, तो ये देखिए आप, यानी ये जो मिट्टी जो है बाउंड्री के लेवल में आ चुकी है, इसलिए कोई भी जानवर अंदर पहुंच जाता है, इसकी भी देखभाल करनी पड़ेगी। फिलहाल कपड़ों को जला दिया गया है। तारों चाबी जो तो तोड़ दें अपन लोग। अब हम सभी लोग आगे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और क्या क्या सामान चाहिए पड़ेगा उसके लिए, इस पर चर्चा हो रही है। कैसे क्या योगदान राशि लेना है अंशदान के रूप में, उस पर सारी चर्चाएं व्यवस्थित हो रही हैं। अर्जुन जी, महेश जी और मनोज खर्द और आपके नन्ना सोनी, अन्य लोग भी, हमारी टीम के सभी सदस्य भी हैं, रिया जी भी हैं।